पिछले दो हफ्तों में जब से यह आंदोलन देश के तमाम कोनों में शुरू हुआ है, उसके बाद से हमको कई बहुत सीरियस न्यूज सुनने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 से अधिक लोगों को मार दिया है, असम के अंदर 5 लोगों को मार दिया है, कर्नाटक के अंदर 2 लोगों की हत्या हो गई है, जगह जगह 144 लगाई है, इंटरनेट बंद किया है, JNU और AMU में यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के लोगों पर लाठीचार्ज किया है। और ये सब जो किया है वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे एक हमला है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले, हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन इसकी संजीदगी को समझते हुए कि आज जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हो रही है, मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि 1 मिनट का मौन इस लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश हो रही है उसमें हम तमाम लोग सिर्फ 1 मिनट का मौन रखेंगे और उन तमाम शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने इस आंदोलन में जिनकी जान गई है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, तो BR अम्बेडकर जिंदाबाद, तो शिवाजी महाराज जिंदाबाद। मंच पे बैठे तमाम लोग और आप तमाम लोग जो ऐतिहासिक जलसे में आए हैं, मैं आप तमाम लोगों के जज्बे को, आपकी एकता को और आपके जुझारूपन को एक बार अभी सलाम पेश करता हूं, क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन लोगों ने इस मार्च का आयोजन किया उन्होंने मुझको पुणे में दावत दी और मैं आज आपके बीच में आके अपनी बात रख रहा हूं। आज से तकरीबन 100 साल पहले इकबाल साहब ने एक शेर लिखा था, जिस शेर में उन्होंने बोला था, सारे जहां से अच्छा वो क्या चीज है, तो सारे जहां से अच्छा जिसने हमारे हिंदुस्तान को बनाया। एक चीज हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती है वो ये बात है कि हिंदुस्तान किसी धर्म विशेष का देश नहीं है, हिंदुस्तान किसी जात विशेष का देश नहीं है, हिंदुस्तान कोई एक भाषा बोलने वालों का देश नहीं है। आप तमाम लोग महाराष्ट्र से आते हैं, आपकी भाषा मराठी हो सकती है, मुझे मराठी नहीं आती, मैं अपनी बात उर्दू में रख रहा हूं, लेकिन न मैं उर्दू और हिंदी आप पे थोप रहा हूं और न आप मराठी मुझ पे थोप रहे हैं, न मैं इस्लाम किसी गैर मुस्लिम पे थोप रहा हूं, ना कोई हिंदू मेरे पर हिंदुइज्म थोप रहा है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, 130 करोड़ लोगों का देश, इसमें 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हो ऑफिशियल, जहां इतने सारे धर्म हो, इतनी सारी संस्कृतियां हो, सबका साथ में रहना, हमारे विचार अलग अलग हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं, उसके बावजूद वाद विवाद से अपनी बात को सुलझाना, यही हिंदुस्तान को लोकतंत्र बनाता है और इसी के चलते सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। आज जो हमला है वो इसी चीज पे है जिसने हमारे देश को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाया है। हिंदुस्तान में 200 साल से ऊपर अंग्रेजी हुकूमत ने राज किया, सैकड़ों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, उससे कहीं ज्यादा लोग जेल गए,
अलग अलग किस्म की कुर्बानियां दी, लेकिन एक इंसान ऐसा नहीं था उनमें जिसने ये बोला हो कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का देश बनेगा या हिंदुस्तान सिर्फ मुसलमानों का देश बनेगा। चाहे अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल की शादी शहादत शादी विरासत हो भाई साहब, चाहे उससे पहले भाई साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष हो या उससे पहले बिरसा मुंडा की शहादत हो, भगत सिंह की शहादत हो, सुखदेव की शहादत हो, राजगुरु की शहादत हो, कोई एक इंसान नहीं था जिसने हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र की शहादत दी गई हो। और आज जब ये एनआरसी सीएए और एनपीआर लाके वापस वही सावरकर और जिन्ना के एजेंडे को वापस लेकर आ रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों पे हमला नहीं है, वो भगत सिंह की विरासत पे हमला है, वो अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल की शहादत पे हमला है। और जरूरी है कि 130 करोड़ लोग, उनका कोई भी धर्म हो, हम तमाम लोगों को हिंदुस्तानी बनकर इनका मुकाबला करना है। किसी ने बोला मुसलमानों को बचाने की लड़ाई है, मैंने बोला हम अपने आप को खुद बचा सकते हैं, हमको बचाने कोई और ना आए, अपने अंदर के इंसान को बचाने की लड़ाई है। हम तमाम लोग इंसान हैं और इंसान को बोला जाता है कि खुदा का सबसे अच्छा क्रिएशन है, सबसे अच्छा क्रिएशन खुदा ने बहुत चीजें बनाई, जानवर बनाए, पेड़ पौधे बनाए, अगर कोई सबसे अच्छा क्रिएशन खुदा ने बनाया है तो इंसान को बनाया है। वो सबसे अच्छा क्यों है? वो इंसानों के अंदर सोचने की क्षमता है, इंसानों के अंदर समझने की क्षमता है, इंसानों के अंदर गलत और सही का फैसला करने की क्षमता है। और आज इस क्षमता पे भी हमला किया जा रहा है। आप सोचना शुरू कर दीजिए, आप सवाल उठाना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान है देश में एंटी नेशनल हो जाना, आप सोचना शुरू कर दीजिए, आप फौरन एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। हम लोगों के बीच में एक साथी था, जब वो जिंदा था तो हम उसको नहीं जानते थे, उसकी मौत कि मैं बोलूं उसकी हत्या के बाद हम उसके बारे में जाने, रोहित वेमुला। 4 साल हो गए हैं रोहित वेमुला को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन रोहित वेमुला ने एक चिट्ठी छोड़ के गए थे अपने आखिरी वक्त में। और आज जब हम एनआरसी एनपीआर सीएए का विरोध कर रहे हैं तो मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं उस चिट्ठी को जाके फिर से पढ़िए। उस चिट्ठी में जो रोहित वेमुला एक दलित छात्र का जो दर्द है, उस दर्द से आज हर एक मुसलमान हर एक आदिवासी उससे अग्री करेगा, वो दर्द हम भी आज झेल रहे हैं कि एक इंसान को आप इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते, एक इंसान को उसकी पहचान पे रिड्यूस कर दिया जाता है, एक वोट एक नंबर एक चीज सबसे इमीडिएट आइडेंटिटी, या तो दलित या मुसलमान या महिला या आदिवासी या पिछड़ा, वही किया जा रहा है। हर हिंदुस्तानी को उसके पहचान पर रिड्यूस कर दिया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास दस्तावेज है तो तुम नागरिक हो, और अगर दस्तावेज नहीं है तो तुम नागरिक रहोगे या नहीं रहोगे ये तुम्हारा धर्म डिसाइड करेगा। हमें नाज था इस हिंदुस्तान पे, और नाज है इस हिंदुस्तान पे, क्योंकि इस हिंदुस्तान को हम बचाएंगे, हिंदुस्तान को हम संगिस्तान नहीं बनने देंगे। मोदी जी, इस बात को आप ध्यान रखिए। हमको नाज है हिंदुस्तान पे कि 20वीं सदी में जितने देश आजाद हुए उनमें से बहुत कम देश थे जो आजादी के बाद जो लोकतंत्र बने हो। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान के एग्जाम्पल हमारे सामने है, कितनी बार वहां डिक्टेटरशिप आई, कितनी बार वहां लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया। बहुत सारे लैटिन अमेरिका के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, अमेरिका ने आके अपने पिट्ठू बिठा लिए, वहां लोकतंत्र को खत्म कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश था और ऐसा देश है जिसने आजादी के बाद एक संविधान को पारित किया
जिस संविधान ने तमाम लोगों को बराबर के अधिकार दिए, सब लोगों को इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया। बहुत रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट था। 47 में बहुत लोगों ने बोला कि हिंदुस्तान बचेगा नहीं, हिंदुस्तान लोकतंत्र नहीं बन सकता, लेकिन हमने करके दिखाया कि हम लोकतंत्र बने। हर इंसान को एक वोट मिला, हर इंसान को नागरिकता मिली, तमाम लोगों को समान अधिकार मिले, कानून के सामने तमाम लोग बराबर हैं। आज ये जो हिंदुस्तान की खूबसूरती थी, जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी, उस खूबसूरती पे हमला है। जो अमित शाह संसद के अंदर बोल रहे थे या एक साल से बोल रहे हैं घूम घूम के, वो ऐसा नहीं है पहली बार बोला जा रहा है। अगर आप आजादी की लड़ाई में वापस जाके देखेंगे, ये जब संविधान लिखा जा रहा था, उन डिबेट्स को जाके फिर से टटोलेंगे तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। जो बात अमित शाह आज बोल रहे हैं, वो तमाम बातें गोलवालकर, सावरकर, गोडसे, हेडगेवार कई बार बोल के गए, लेकिन तमाम उन लोगों ने जिन्होंने इस देश को बनाया, तमाम उन लोगों ने जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, जद्दोजहद किया, उन तमाम लोगों ने सावरकर को खारिज किया, उन तमाम लोगों ने हेडगेवार को खारिज किया, उन तमाम लोगों ने गोलवालकर को खारिज किया और उन तमाम लोगों ने गोडसे को खारिज किया। आज उनकी कोशिश है कि 303 सीट के घमंड में कि हमारे पास 303 सीटें हैं, उस घमंड के आधार पे वो इस देश के संविधान को बदल देंगे। हम बताना चाहते हैं कि इस चैलेंज को हम लेते हैं। आपको बहुत घमंड है, इस देश की जनता अपनी एकता से आपकी घमंड की चर्बी को उतारेगी। ये हमारा आपसे वादा है। CAA, NRC, NPR, इन तीनों काले कानूनों को आपको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, कितने खतरनाक हालात हैं, ये बोला जा रहा है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो हिंसा कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया जिसका काम है रोज रात में झूठ बोलना, रोज रात में झूठ बोलना, आपको याद है ना, इन्हीं लोगों ने मुझे दो बार पाकिस्तान भी भेज दिया था, इन्हीं लोगों ने 2000 रुपए के रूप में चिप भी निकाल दिया था। तो अब ये मीडिया बोल रही है कि प्रदर्शनकारी हिंसक हो रहे हैं, प्रदर्शनकारी हिंसा भड़का रहे हैं, बसों को जला रहे हैं। बंगाल के अंदर 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता ट्रेन पर जाके पत्थर उठा के पथराव कर रहे थे और CAA के खिलाफ नारे लगा रहे थे और टोपी लगाए हुए थे। बंगाल की पुलिस है, बंगाल की पुलिस उनको पकड़ कर ले आई। जब पकड़ कर ले आई तो पता चला वो मुसलमान नहीं थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अब यही काम अगर यूपी में हुआ होता तो पहले उसका वीडियो बनाया जाता, वीडियो बना के अर्नब गोस्वामी साहब को रात में 9 बजे पहुंचाया जाता, फिर अर्नब गोस्वामी साहब जाके बोलते नेशन वॉन्ट्स टू नो, बोलते मुसलमान दंगा कर रहे हैं, फिर योगी आदित्यनाथ आते बोलते हम बदला लेंगे और जगह जगह जाके गोलियां चलाएंगे। 20 से अधिक लोगों की मौत यूपी में हुई है। और जिन राज्यों में हिंसा हुई है वो ऐसा क्यों है कि उन्हीं राज्यों में हिंसा हुई है जब भाजपा की सरकार है, किसी और राज्य में हिंसा नहीं हुई, ये इन्हीं के लोग हिंसा भड़का रहे हैं। लेकिन जो 20 लोगों की मौत हुई है, कुछ मेरे दोस्त मेरठ गए, हर्ष सर मुजफ्फरनगर कल गए थे, वो बताएंगे आपको, तमाम लोगों को सीने के ये पेट के ऊपर गोली लगी। ये दावा कि हम दंगा ना भड़के और मौत को कंट्रोल कर रहे थे, ये कितना झूठा है आप इसी से समझ सकते हैं। जो मुख्यमंत्री है अभी उत्तर प्रदेश के, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और एक सांसद थे तो उनपे कई सारे मुकदमे थे, पिछले वक्त बता रहे थे, दंगा भड़काने के, मर्डर का, और बहुत संगीन संगीन मुकदमे थे। जब 2017 में
वो मुख्यमंत्री बने, तो एक एक करके मतलब सुबह आप अखबार खोलेंगे आपको अखबार में न्यूज मिलेगी कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर से मुकदमे हटाए। मतलब मैं ही जज, मैं ही अक्यूज्ड, मैं ही मंत्री, और वो इंसान जो बयान देता था पहले कि एक हिंदू मारेगा तो हम 10 मुसलमान मारेंगे, आज जब वो मुख्यमंत्री है तो वो संविधान से नहीं चल रहा है, वो उसी विचारधारा से चल रहा है जिसके चलते उसमें मुकदमे लगे थे, अपने ऊपर से मुकदमे हटा रहा है और यूपी के अंदर 30,000 लोगों पर मुकदमा लगाया है, 30,000 लोगों पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल हुआ है, कहां स्टन ग्रेनेड छात्रों पर इस्तेमाल होते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो लोग कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे थे, 1200 छात्रों पर मुकदमा कर दिया है, 1000 से ऊपर लोग जेलों के अंदर हैं और 20 लोगों को मार दिया है जैसे मैंने बताया। उनको लग रहा है कि इस देश में संविधान खत्म हो गया है, उनको लग रहा है, उनका बयान भी आया है कि उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया, ऐसा क्रैकडाउन किया है कि आपको जरूरत नहीं करेगा बाहर आने की। यह अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनको औकात याद दिलाई जाए कि आप संविधान के ऊपर नहीं है, आप संविधान के ऊपर नहीं है। एक मंत्री जाता है, एक इंसान को चोट लग गई थी, वो मुसलमान नहीं था, बिजनौर के अंदर जाता है, उस इंसान से मिलकर आता है, वहां कुछ मीडिया पहुंचती है, बोलती है यहां 2 मुसलमानों की मौत भी हो गई है, जाइए जरा उनके परिवार वालों से मिलकर आ जाइए। वो बोलता है कि मैं दंगाइयों के घर नहीं जाता। और नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि वो सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, ना ये सबका साथ है, ये सिर्फ अंबानी के साथ है, सिर्फ गुंडों के साथ है और सिर्फ अडानी साहब का इनके ऊपर विश्वास है, यही इस वक्त देश की सच्चाई है। एक तरफ यूपी में आतंक का माहौल बनाया जा रहा है तो उस आतंक के माहौल से लोग डर जाएं और डर के पीछे हट जाएं, और दूसरी तरफ हमारे साहेब झूठ बोल रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो फेंक फेंक के हमको बहका देंगे। तो हम उनको बताना चाहते हैं, ना हम डरने वाले, ना हम आपके झूठों से बहकने वाले। अब एक साल से अमित शाह साहब क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, बोल रहे थे क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आएगा, फिर एनआरसी आएगा, किसी हिंदू सिख जैन बौद्ध इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएबी से इनको बचा लिया जाएगा। 9 दिसंबर इस महीने संसद के अंदर खड़ों के बोला कि एनआरसी तो हम देश में करके रहेंगे, और आप तमाम लोगों ने जो आंदोलन किया, अब इनकी क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए। जब आंदोलन होना शुरू हुआ उनको उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इस तरीके से बाहर आएंगे, उनको लगा कि जामा मस्जिद के शाही इमाम को अपने जेब में कर लिया, उनको लगा कि जामा मस्जिद के शाही इमाम को जेब में कर लिया, सब मामा मुसलमानों को जेब में कर लिया। हमने बोला कि हमें शाही टुकड़ा पसंद है, शाही पनीर पसंद है, लेकिन इस अमित शाही इमाम को आप ही रख लीजिए। तो पहले जब असम से विरोध हो रहा था और जगहों से विरोध हो रहा था तो झारखंड से एक बयान दिया प्रधानमंत्री ने, बोला इनको अपने कपड़ों से पहचान लीजिए, इनको जो आग लगा रहे हैं वो कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, हम तमाम लोग जानते हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। और क्रोनोलॉजी समझिए, सुबह में उन्होंने बयान दिया और रात तक जामिया और एएमयू में पुलिस घुस के वहां अटैक कर चुके थे, उनको लगा कि मुसलमानों को आइसोलेट कर देंगे और असम को खबरों से हटा देंगे। उन्होंने जामिया पे हमला किया, एएमयू पे हमला किया, ये सोच के कि जामिया और एएमयू अलग हो जाएंगे। अगले दिन देश की 22 यूनिवर्सिटी जामिया और एएमयू के साथ खड़ी हुई। उनको लगा अब सांप्रदायिकता करके
देश में बंटवारा करके इस आंदोलन को नहीं दबाया जा सकता, क्योंकि अब तो सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो नरेंद्र मोदी को लग गया था डर के बैठ गए, वो तमाम लोग सड़कों पर आ गए। ये सड़क हमारी है और इस सड़क पर हमने वापस अपना डेरा डाल दिया है। तो उन्होंने एक एक करके झूठ बोलना शुरू किया। अब ये आपकी ताकत है कि जो घूम घूम के सीना चौड़ा करके अमित शाह बोल रहे थे कि पहले सीएबी आएगा उसके बाद एनआरसी आएगा, नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान से बोल रहे एनआरसी के बारे में हमने कभी चर्चा ही नहीं करी। ये आपका डर है, ये आपका डर है तो उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। अमित शाह साहब बोल रहे थे कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। अरे भाई मुसलमान या कोई भी नागरिक क्यों डरे? डरे हुए तो तुम हो नागरिकों से। नागरिकों को सरकार से डर नहीं लगना चाहिए, सरकारों को नागरिकों से डर लगना चाहिए। और आप तमाम लोगों ने साबित कर दिया है। बोला कोई डिटेंशन सेंटर ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, असम में बन गए, कर्नाटक में बन गए, कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। और बोला कि आग लगाना, ये सब काम करना, ये सारे काम नहीं करने चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी करा रही है। तो बोला कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल में अर्थव्यवस्था पे एक प्रोटेस्ट नहीं करा पाई और आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी करा रही है। फिर नरेंद्र मोदी ने बोला कि पुलिस का सम्मान करना चाहिए और मैं पुलिस का सम्मान करता हूं। यह बहुत सारे पुलिस वाले हैं और मैं बोलना चाहूंगा, मैं हम तमाम लोग आपका सम्मान करते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं करते। हम पुलिस का सम्मान करते हैं, पुलिस हो या नागरिक, जब तक संविधान के दायरे में है हर एक को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, एक तरफ आप बोल रहे हैं पुलिस का आप सम्मान करते हैं और उन हजारों लोगों में जो उत्तर प्रदेश के अंदर बंद है, एक फॉर्मर आईजी ऑफ यूपी पुलिस, 77 साल का एक बुजुर्ग इंसान एसआर दारापुरी जो इंस्पेक्टर था यूपी पुलिस का, उसको भी आपने जेल के अंदर बंद कर दिया क्योंकि वो आपके एजेंडे पे नहीं चल रहा। एक रिटायर्ड पुलिस अफसर, सीनियर पुलिस अफसर, जिसने जिंदगी कानून की रखवाली करने के लिए, कानून की रक्षा करने के लिए पूरी जिंदगी बिता दी, रिटायरमेंट के बाद भी लोगों के जद्दोजहद में गरीबों के साथ खड़ा रहा, आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। तो मोदी साहब, जब आप पुलिस का सम्मान करते हैं तो क्या हमारे साथी फॉर्मर आईजी एसआर दारापुरी साहब भी उसमें आते हैं? आज उत्तर प्रदेश बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस के बिना लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करी जा रही है, ये बोला जा रहा है इन्होंने दंगा भड़काया था। तो मुझे याद आता है कि एक पुलिस अफसर, उत्तर प्रदेश पुलिस का जाबाज पुलिस अफसर सुबोध कुमार सिंह, पिछले दिसंबर एक साल पहले कुछ गुंडों ने जाके जो इनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं वहां जला के, पुलिस जीप जला के उसको गोली मार के हत्या कर दी थी। एक भी मंत्री उनकी परिवार से मिलने नहीं गया, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। वो तमाम लोग जिन्होंने हत्या करी थी आज वो बेल में छूट गए। जब आप पुलिस की बात करते हैं तो क्या सुबोध कुमार सिंह उन पुलिस अफसरों में आते हैं जिनका आप सम्मान करते हैं? जब आप पुलिस की बात करते हैं, मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं और महाराष्ट्र के एक जाबाज पुलिस अफसर को सलाम करना चाहता हूं, शहीद हेमंत करकरे को। आप ही का साथी था, बंबई में आतंकवादी हमला हुआ, सामने जाके आतंकवादियों का विरोध किया, आतंकवादियों से लड़ा, अपनी जान की कुर्बानी दी। और ये भाजपाई लोग ये बोलते हैं कि हेमंत करकरे, इनकी सांसद ने बोला है कि मेरे श्राप से हेमंत करकरे मरा था, क्योंकि हेमंत करकरे ने पाकिस्तान से तो लड़ा लेकिन हमारे देश के अंदर जो ये संगी लोग षड्यंत्र रच रहे थे उसको भी बेनकाब किया। और इसीलिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मैं साध्वी नहीं बोलता, ऐसे लोगों को साध्वी नहीं बोलना चाहिए, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये धर्म का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता पाने के लिए करते हैं, इनका एक धर्म है वो है पावर। मैं योगी को, योग आदित्यनाथ को, इसका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट,
उसको योगी नहीं बोलता, वो योगी नहीं है, वो ढोंगी इंसान है। ये हेमंत करकरे का अपमान करते हैं और उसके बाद आप प्रवचन देते हैं कि हमको पुलिस का सम्मान करना चाहिए। हम हर इंसान का सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं और आज ये लड़ाई हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं आने वाले आपके झूठ में। उत्तर प्रदेश की पुलिस जाके रिपोर्ट आई कि एक 72 साल के जईफ बुजुर्ग इंसान के घर में घुस के मुजफ्फरनगर में वो गिड़गिड़ाता रहा कि मुझको मत पीटो। वहां जाकर उसको पीटने लगी और बोला तुम्हारे दो स्थान है, या तो कब्रिस्तान है या पाकिस्तान है। अभी एक वीडियो भी आया है, उस वीडियो पे कई चैनलों ने न्यूज भी किया है कि एक पुलिस अफसर जाके बोल रहा है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। क्यों जाए हम पाकिस्तान, क्यों जाए? और अगर किसी चीज का हमको दर्द है तो वो इसी चीज का दर्द है कि 72 साल पहले हमने पाकिस्तान को खारिज किया था और 72 साल बाद हमको पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। हमारी देशभक्ति पे, हमारे इस देश से प्यार पे, हमारी वतन परस्ती पे सवाल उठाया जा रहा है। क्या करें, क्या सबूत दें कि आप हमको वतन परस मानेंगे? हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है जब हमको टेस्ट दिया जाता है, हिंदुस्तान में कहीं हमला होता है तो हमारा ही टेस्ट होता है। हर जगह हम देश के साथ हैं। मोहम्मद अली जिन्ना हमारे नेता कभी नहीं थे, हमारे नेता महात्मा गांधी थे, हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं और हमारे नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जब 47 में बंटवारा हो रहा था तो वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर उन्होंने बोला था कि इस देश के मुसलमानों, इस देश को मत छोड़ो, तुम्हारे बुजुर्ग यहीं दफन हैं, इस देश की आजादी के लिए तुमने जद्दोजहद करी है और इस देश का अतीत और इस देश का मुस्तकबिल तुम लोगों के बिना अधूरा हो जाएगा। 19 दिसंबर जब देश भर में इसके खिलाफ, सीएपी के खिलाफ हम लोग सड़कों पे आए, अशफाकुल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल का शहादत दिवस था, लेकिन उस डेट में एक चीज और हुई थी। 19 दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी मेवात गए और मेवात के कुछ मुसलमान मेवात छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे। महात्मा गांधी ने जाकर उनको रोका, बोला ये तुम्हारा मुल्क है, ये सबका मुल्क है। वो लोग लौट आए तो हमको पाकिस्तान का झांसा ना दिया। और जिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया पे अभी सवाल उठा रहे हैं, जिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया में घुस के पुलिस ने वहां लाइब्रेरी के अंदर टेयर गैस किया, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हुए बच्चों को मारा, आप क्या जाने उस जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वतन परस्ती के बारे में? आप क्या जाने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के देश के प्रति प्यार के बारे में? आप तो ऐसे लोग हैं जिनके क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उसका देश को नहीं पता है, लेकिन आपको क्या पता कि असहयोग आंदोलन में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया और बोला हिंदुस्तान के लोगों से कि अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों को छोड़ो और अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाओ, तो कोई पहला इंस्टीट्यूट था जो देश में बना था देश की आजादी के लिए, तो वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के टीचर्स, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर्स आजादी की लड़ाई में जेल के पीछे गए थे और जब जेल के पीछे गए थे तो किसी इंसान की तरह माफी मांग के बाहर नहीं आए थे। यह है हमारा इतिहास और हम नहीं देंगे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट इनको। मुझको एंटी नेशनल जब बीजेपी वाले बोलते हैं तो मान लीजिए मुझे 1% भी बुरा नहीं लगता। जिनका राष्ट्रवाद का स्टैंडर्ड नाथूराम गोडसे हो उनके लिए हम एंटी नेशनलिस्ट हैं, नहीं चाहिए इनका सर्टिफिकेट। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक अपील करूंगा, एनआरसी असम में हुई, बहुत सारे लोगों ने जाके दस्तावेज दिए। अगर कल को हिंदुस्तान में एनआरसी होती है और आप में से कुछ लोगों के पास दस्तावेज हैं और आपको लग रहा है कि कुछ लोग दस्तावेज दे दें तो हम तो बच जाएंगे, बाकियों का पता नहीं, तो असम के अंदर पुराना प्रेसिडेंट के परिवार वाले, सब कुछ होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो लोग एनआरसी लिस्ट में नहीं आए। एक इंसान सनाउल्लाह साहब
जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में हिंदुस्तान की सेना के लिए लड़ा, वो एनआरसी लिस्ट से बाहर थे। तो कागज जाके दिखाएंगे या दस्तावेज जाके देंगे, ये ख्याल आप छोड़ दीजिए। एनआरसी का हमको संपूर्ण बहिष्कार करना है। अब एनआरसी को ये एक नए फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, एनपीआर। और अब जब इनका खेल सामने आ गया है, बेनकाब हो गए हैं, तो मोटा भाई आके इंटरव्यू दे रहे हैं दिन में 5-5, और फिर पूरी चैनलों को दे रहे हैं, ना सवाल नहीं पूछा जाएगा, और बोल रहे हैं एनपीआर से एनआरसी का कोई लिंक नहीं है, जबकि उनका गृह मंत्रालय का वेबसाइट कुछ और बोल रहा है, गृह मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, वेबसाइट कुछ और बोल रहा है उन्हीं का। और बोलते लोग मेरा भरोसा क्यों नहीं करते, कितने क्यूट लगते हैं हमारे मोटा भाई, तो बोलते लोग हमारा भरोसा क्यों नहीं करते, कितने भोले लगते हैं। ये वही इंसान है जिसने पिछले साल बोला था हम कोई भी संदेश सोशल मीडिया पर वायरल कर सकते हैं, चाहे कड़वा हो या मीठा, चाहे झूठा हो या सच्चा, ये उनके शब्द ओपनली। ये वो इंसान है जो संसद के अंदर खड़े होकर बोल रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला को हमने कुछ नहीं किया, और अगर वो नहीं आ रहे तो अपने आप नहीं आ रहे, कनपट्टी पर बंदूक रख के तो ला नहीं सकते, आज सामने आ गए थे फारूक अब्दुल्ला जेल के अंदर है। तो झूठ फेंकने का, झूठ बोलने का, लंबा लंबा फेंकने का हर हद पार कर दिया है इनका। और ये बोल रहे हैं एनपीआर का एनआरसी से कोई लिंक नहीं है। संसद के अंदर 9 बारी इनकी सरकार ने खुद एनपीआर को बोला है कि वो एनआरसी का पहला कदम है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ये आप लोगों का भी पहला कदम होना चाहिए। केरल के अंदर, बंगाल के अंदर ऑलरेडी वहां के मुख्यमंत्रियों ने घोषणा कर दी है कि वहां एनपीआर लागू नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने मुख्यमंत्री को पहले ये मनवाए, अगर एनपीआर आ गया तो एनआरसी भी आ जाएगा, पहले ये मनवाए कि एनपीआर महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। महाराष्ट्र की धरती हमेशा कुर्बानी इसने दी है। एक और आखिरी अपील, ये लड़ाई जैसे मैंने शुरू में बोला, उनकी कोशिश रहेगी इसको हिंसक बना दिया जाए, इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना दिया जाए। मैं आप लोगों से एक वादा चाहता हूं कि किसी भी हालत में आप हिंसा नहीं करेंगे। अगर कोई हिंसा करेगा तो अपने आपके भीतर में, वो प्लांटेड आदमी भी हो सकता है, उसको कोने करके उसको आइसोलेट करेंगे और अहिंसा से इस आंदोलन को लड़ेंगे। गांधी जी ने हमको 2 हथियार दिए थे, अहिंसा और सत्याग्रह। इस आंदोलन में सबसे बड़े हथियार अहिंसा और सत्याग्रही है। वो डंडा मारेंगे, हम तिरंगा लहराएंगे। वो गोली मारेंगे, हम संविधान को ऊंचा करके अपना नारा बुलंद करेंगे। वो जेल में डालेंगे, हम जेल में हंसते हंसते सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलते हुए चले जाएंगे। और 1942 में महाराष्ट्र के अंदर से ही गोरों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब वक्त आ गया है चोरों के खिलाफ, जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं, जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं ये चोर, इनके खिलाफ हम लोग भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ना एनआरसी को होने देंगे, ना एनपीआर को होने देंगे, ना सीएए को होने देंगे। आप तमाम लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत